शिमला नगर निगम के शांति विहार बोर्ड में स्वागत गेट पर लगाए गए कमल के फूल को लेकर कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने नगर निगम की महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और महापौर पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं। साथ ही इस मामले को कोर्ट में ले जाने की चेतावनी भी दी है। शांति विहार वार्ड के कांग्रेस पूर्व पार्षद महेंद्र चौहान ने कहा कि भाजपा नगर निगम में दोबारा से काबिज होने को लेकर मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, लेकिन शहर की जनता नगर निगम चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी और कांग्रेस को जिताएगी। 29/4 को जब नगर निगम का हाउस था, जनरल हाउस था, तो उसमें हमारे जो माननीय पार्षद है वार्ड नंबर 22 के, उन्होंने जो हमारे शांति विहार में शुरू में जो गेट लगा है उसमें झालर में बीजेपी के जो है उसमें कमल के फूल लगे थे, उस पर हमारे माननीय महापौर इतने भड़क गए कि उन्होंने अपनी भाषा की मर्यादा का भी कोई ध्यान नहीं रखा और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ तू तड़ाक पर उतर गए। एक शिमला के प्रथम नागरिक होने के नाते, एक 34 वार्ड के महापौर है, पूरे शहर के प्रथम नागरिक।